Morning students, now आज की क्लास में लो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सॉर्टिंग्स ऑफ मटेरियल्स. सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स को पढ़ने से पहले इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ओके, नाउ सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई एक वस्तु. ओके, हिंदी में उसको बोलते हैं वस्तु. तो ऑब्जेक्ट जो है एक या बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनता है. जैसे हम अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं. जैसे कि अभी मेरे पास जैसे सोफा, ठीक है, आपके पास अलमीरा है ना, कबर्ड्स, बहुत सारे अलग अलग फ्री जो है आपके ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, है ना. आप अपने अराउंड में बहुत सारे डोर्स है, तो ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. और हर एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से या एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बनता है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है. जैसे कि आप लोगे सोफा, सोफा तो सोफा किससे मिलके बनता है, एक सोफा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. वो बना किससे है, वो किससे बना है, वुड से बना है, ठीक है. अब आपके सामने आया जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेंसिल ली मैं, ठीक है. अब वो पेंसिल है, वो पेंसिल जो आप देखोगे तो पेंसिल किससे बनता है, वुड से बनता है. और लेकिन उसके सामने जो उसका जिससे हम लिखते हैं वो किससे बनता है, ग्रेफाइट से बनता है. और पेंसिल के नीचे क्या अलग रहता है, रबर, तो वो रबर जो है अलग मटेरियल से बना जाता है. तो एक जो आपका ऑब्जेक्ट है पेंसिल, लेकिन बना कितने चीजों से, तीन चीज से. जो पेंसिल है वो आधा लकड़ी से जो पूरा बना है, उसके सामने में जो लगा हुआ है नीड वो किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से, और उसके पीछे में रबर, है ना. तो एक ऑब्जेक्ट है लेकिन बना तीन अलग अलग मटेरियल से. तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है वो एक मटेरियल से भी बनता है, मोर देन वन मटेरियल से भी बनता है, राइट. तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट देखते हैं, बहुत टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बनता है. ओके, और स्टूडेंट्स एक मटेरियल से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि एक मटेरियल कैसे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक मटेरियल ले ली मैं वुड. वुड क्या है, एक मटेरियल है, है ना. अब वुड से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, बना सकते कि नहीं, टेबल, चेयर्स, है ना, सोफा, डाइनिंग, है ना, और स्टूल्स, टी टेबल्स, ये सब चीजें हम क्या बनाते हैं, और आपका डोर्स, आपका अलमीरा, कबर्ड, सब बहुत सारी चीजें आपके किससे बनते हैं, आपके वुड से बनते हैं, ठीक है. तो मटेरियल्स कौन सा हो गया, एक मटेरियल्स, लेकिन ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है, ये समझ आया. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या है, वुड आपका मटेरियल है, लेकिन प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बनते हैं. प्लास्टिक से आपसे वाटर बॉटल्स बनते हैं, प्लास्टिक के टॉयज बनते हैं, है ना. तो आपका एक मटेरियल से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, समझ आया. तो आपको मैंने क्या समझाया, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स. ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब एक कोई वस्तु, कोई एक सामान, जो आपका ऑब्जेक्ट जो है एक मटेरियल से या मोर देन वन मटेरियल से मिलकर बनता है, ठीक है. और एक मटेरियल से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं. ये चीज क्लियर हुआ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल के बीच में. ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो आपका मटेरियल से मिलके बनता है, ठीक है. एक मटेरियल या मोर देन वन मटेरियल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है. बट अब एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल्स और मोर देन वन मटेरियल से बनता है, है ना, और एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. तो हम कौन सा मटेरियल्स यूज करें किसी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सोफा है, ठीक है. तो आपका सोफा या चेयर्स ले ली, तो आपका चेयर अलग अलग चीजों से भी बनता है, समझ लो लकड़ी का भी बनता है, प्लास्टिक के भी चेयर्स होते हैं, है ना, और स्टील्स के भी चेयर्स आने लगे हैं. तो है तो ऑब्जेक्ट एक ही, लेकिन किससे बन रहा है, अलग अलग मटेरियल से बन रहा है. तीन अलग अलग मटेरियल से बन गया, आपका स्टील से भी बन गया, आपका वुड से भी बन गया, और आपका प्लास्टिक से भी बन गया, समझ आया. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टॉयज है, तो टॉयज भी अलग अलग मटेरियल से बनता है, प्लास्टिक से बनता है ना. आपका कोई पेपर से भी बनता है टॉयज, है ना. तो ये आपका डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल से बनता है. अब हमको सोचना है, हमको ये समझना है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को हम लोग यूज करेंगे, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है, जैसे कि हम चाय पीते हैं, चाय, तो आप कभी ये सोचे हो कि जो चाय होता है उसको हम लोग जो कप जो रहता है वो किससे बने रहता है, आपका क्ले से बना होता है, ठीक है.
तो हम लोग उसको क्ले से ही क्यों बनाते हैं? जो चाय का जो कप होता है वो क्ले से बनता है या ग्लास से बनता है? तो हम लोग ग्लास से या उसको क्ले से ही क्यों बना रहते हैं? क्यों उसको हम लोग क्लोथ से नहीं बनाते, कोई फैब्रिक से नहीं बनाते? क्यों ऐसा? क्योंकि जो चाय है, टी है, वो क्या चीज है? वो लिक्विड चीज है। तो लिक्विड है, अगर लिक्विड को हम लोग किसी क्लोथ्स में डाल देंगे तो क्या होगा? पूरा वहां से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो लिक्विड को हमको होल्ड करके रखना है, तो होल्ड करके कपड़ा तो रखेगा नहीं, तो क्या करने के लिए? उसके लिए हम लोग क्ले का आपका बर्तन बनाते हैं या ग्लास की बर्तन, ठीक है। तो इसके लिए हमको इस तब समझ आया कि हमको किस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को यूज करना है। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल, और क्या हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं आप बताओ मेरे को? जैसे कि हमारे घर में खिड़कियां लगती है ना, तो खिड़की में हम देखोगे कि कांच लगे रहता है, तो उसमें हम लोग कांच ही क्यों लगाते हैं, ग्लास ही क्यों लगाते हैं? बहुत सारे उसमें पूरा उसको कवर भी कर देते हैं, वो पूरा फर्नीचर का बनाते हैं, मतलब पूरा वुड का भी बनाते हैं, तो पूरा पैक भी हो जाता है। लेकिन जनरली आज के डेट में देखना आपका क्या होता है, कांच लगा रहता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको इसलिए लगाते हैं ताकि आप घर से बैठे बैठे बाहर का जो भी चीज है हम देख सके, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ग्लास लगाते हैं। तो ग्लास मटेरियल यूज किए, अब उसमें स्टील का तो नहीं लगा देंगे ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के पहले हम देखते हैं, चूज करते हैं कि हमको उस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाना है ना, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, तो उस मटेरियल्स को हम लोग यूज करके कोई एक ऑब्जेक्ट को रेडी करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से मिलकर बन सकता है, लेकिन वो हमको डिसाइड करना है कि हमको किस मटेरियल्स को यूज करके हमारे लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे मैंने भी बताया कि एक सोफा है, सोफा आपके या चेयर्स है, वो अलग अलग मटेरियल से बनेगा, लकड़ी से भी बनेगा, स्टील से भी बनेगा, प्लास्टिक से भी बनेगा, पर हमको किस टाइप्स के मटेरियल्स से हमको बनाना है ये हम डिसाइड करेंगे। इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, मतलब किसी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हमको किस मटेरियल्स को यूज करना है ये हम डिसाइड करेंगे, हम सॉर्ट आउट करेंगे, हम उसको अपना क्या रखेंगे कि हमको किस टाइप से मटेरियल्स को यूज करके बनाना है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के हमारा प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम कौन से ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती है वो होती है आपका अपियरेंस। अपियरेंस का मतलब या लशर, उसमें आपका प्रॉपर्टीज में आता है, एक होता है शाइनी, ठीक है। शाइनी मतलब एक ऑब्जेक्ट आप देखोगे तो एक चमकता हुआ रहता है, शाइनी अपियरेंस रहता है, और एक आप ऑब्जेक्ट देखोगे जो बिल्कुल भी शाइनी नहीं रहता, नॉन शाइनी अपियरेंस रहता है। तो आपका अपियरेंस में दो टाइप्स के आते हैं, एक शाइनी अपियरेंस, एक नॉन शाइनी अपियरेंस। शाइनी अपियरेंस में आप देखोगे तो क्या, जैसे गोल्ड है, चमकता है, सिल्वर चमकता है ना, तो ये आपका शाइनी अपियरेंस में आएंगे। नॉन शाइनी अपियरेंस मतलब जो लकड़ी की चीजें बनेगी, है ना, प्लास्टिक है, ये सब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका नॉन शाइनी अपियरेंस आता है। इसी को लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। लस्ट्रस यानी जो अपियरेंस, जो चमकता है, नॉन लस्ट्रस यानी जो चीजें नहीं चमकती, ठीक है। उसके बाद उसकी अदर प्रॉपर्टीज आप देखोगे, आपका होता है एक हार्ड टाइप्स और एक सॉफ्ट टाइप्स। हार्ड टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स देखोगे, हार्ड टाइप्स का ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो हार्ड होता है, जो हार्ड मतलब कोई हार्ड चीज, जैसे चेयर्स होते हैं, चेयर हार्ड होते हैं, आप उसको जो जल्दी टूट भी जाते हैं। एक होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट चीजें जो सॉफ्ट मटेरियल्स को यूज करके बनाया जाता है, राइट। तो आपका दूसरा टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज किस पे आ जाती है, हार्डनेस पर डिपेंड करता है कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, हमको हार्ड ऑब्जेक्ट बनाना है कि सॉफ्ट मटेरियल्स बनाना है ना। तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टीज आ गया। तीसरा हो गया टेक्सचर, टेक्सचर्स मतलब एक टेक्सचर्स में आपका आता है रफ मटेरियल्स, एक होता है सॉफ्ट मटेरियल्स। रफ मटेरियल्स का मतलब होता है कि आपका जो भी बॉडी, जो आपका ऑब्जेक्ट बनाओगे वो रफ रफ रहता है ना। जैसे कि आप शूज शूज बना रहे हो, तो शूज के जो नीचे का आपका देखोगे तो वो कैसे रहता है, उसके नीचे में रफ रहता है। क्यों? ताकि रफ रहेगा तब उसमें ग्रिप पड़ेगा, है ना, तब हम स्लीप नहीं होंगे। कहीं पे भी स्लीपी एरिया पे अगर चलते हैं, कहीं पे पानी है कुछ है, तो हम गिरेंगे नहीं, इसलिए उसको ग्रीप पकड़ने के लिए उसके नीचे में रफ सरफेस बनाते हैं। अगर उसको स्मूथ कर देंगे, उसके नीचे का जो रहेगा फीट साइड को, अगर उसको हम लोग स्मूथ कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, हम कहीं पे भी स्लीप हो सकते हैं, हमारा ग्रीप नहीं रहेगा हमारे जो जहां पे हम चलेंगे, ठीक है। तो आपका रफ सरफेस हो गया। उसके बाद
स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस में क्या होता है, स्मूथ सरफेस से आपका जो स्मूथी होता है, ठीक है, स्मूथ सरफेस मतलब चिकना चीज, चिकना चीज जो होता है, जैसे कपड़ा, कपड़ा जो हम लोग रहते हैं पीस ऑफ क्लॉथ, वो क्या होता है स्मूथ सरफेस, स्मूथ आपका मटेरियल से बनता है, राइट। तो आपका ये तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। पहले हमने पढ़ा हार्डनेस, सॉरी सबसे पहले हमने लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस पढ़ा जो अपीयरेंस के अंदर आया, दूसरा हमने पढ़ा हार्डनेस, तीसरा पढ़ा हमने टेक्सचर, फिर चौथा हम पढ़ेंगे स्टेट। स्टेट में आएगा स्टूडेंट्स थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आएगा। सॉलिड मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सॉलिड मतलब जो सॉलिड ठोस पदार्थ होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक आइस ली मैं, आइस पानी को हम लोग क्या किए फ्रिज में रख दिए, तो फ्रिज में रखने के बाद क्या बन गया, वो एक आइस बन गया, बर्फ बन गया। तो बर्फ क्या चीज है, सॉलिड चीज है, ठीक है। और उसके बाद होता है लिक्विड, लिक्विड यानी तरल पदार्थ, जो लिक्विड वाले आइटम्स होते हैं जो हम लोग पीते हैं, जल वाले पानी है, मिल्क है, जूस है, ये सब क्या आइटम होता है, ये आपका लिक्विड होता है। उसके बाद होता है गैसेस, गैसेस स्टेट्स में आपका गैस मतलब कि जो आपका जब पानी को क्या करते हैं बॉइल करते तो क्या हो जाता है, गैस बनता है कि नहीं, तो जिसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता उसको बोलते हैं हम लोग गैस, ठीक है। तो ये आपका किसमें डिपेंड आ गया, आपका स्टेट्स पे आ गया। तो स्टेट्स में आपने क्या क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड आपका गैस। उसके बाद आपका ये तो आ गया आपका प्रॉपर्टीज, फिर हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल, एक होता है इनसॉल्युबल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में आप कैसे बताओगे, सॉल्युबल क्या होता है, इनसॉल्युबल क्या होता है। सॉल्युबल का मतलब होता है स्टूडेंट, सॉल्युबल का मतलब कि आपका जैसे कि पानी है, पानी में मैं क्या डाल दी, नमक डाल दी, नमक डाल के मैंने उसको क्या किया, घोल दिया, घोली। तो घोलने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद अगर उसको स्टियर कर लोगे तब आप उसके बाद अब उसको देखोगे तो जो पानी में जो नमक है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, आपको अलग से नमक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पानी में क्या हो गया, नमक जो है सॉल्युबल हो गया। तो इसको बोलते हैं सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर। क्या सॉल्युबल इन वाटर हुआ, जो आपने नमक डाला, सॉल्ट, सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया वाटर में। एक होता है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब होता है फ्रेंड्स, इनसॉल्युबल मतलब जो चीज पानी में नहीं सॉल्युबल होता, जैसे कि मैं पानी में रेत डाल दी, रेत डालने के बाद उसको कितना भी स्टियर कर लो वो आपका क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब घुलेगा नहीं वो वापस, जब आप उसको स्टियरिंग करना छोड़ दोगे तो वापस वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी में आता है। तो सॉल्युबिलिटी में दो चीज पढ़ेंगे, एक होता है सॉल्युबल, एक होता है इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल यानी जो पानी में वाटर में आपका पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, और एक होता है इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं मिक्स होता, उसको बोलते हैं हम लोग इनसॉल्युबल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक फ्लोटेशन, फ्लोटेशन और सिंक। फ्लोट और सिंक हमने तो पढ़े होंगे, फ्लोट यानी ऊपर तैरना, सिंक यानी डूब जाना। अब ये कैसे समझेंगे, पानी में कोई चीज को हम डालते हैं तो वो क्या होता है, कोई एक कोई ऐसा मटेरियल्स होगा जो पूरा, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो आपका नीचे बैठ जाएगा या फिर मतलब डूब जाएगा, या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो ऊपर आपका तैरेगा। ये कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, जो हमने ऑब्जेक्ट फेंका है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर उसकी डेंसिटी लाइट डेंसिटी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने पेपर फेंका, तो पेपर का जो डेंसिटी होता है और पानी की डेंसिटी, तो पेपर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बहुत कम होता है, तो वो क्या करेगा, आपका फ्लोट करेगा, मतलब ऊपर तैरेगा, ठीक है, वो डूबेगा नहीं। लेकिन अगर मैं समझ लो पत्थर फेंकी, तो पत्थर क्या होगा, पानी में नीचे डूब जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है फ्लोट होगा कि सिंक होगा। तो फ्लोट यानी होता है तैरना, सिंक यानी होता है डूब जाना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पानी में तैरता है कि डूबता है वो डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी पे। अगर पानी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। लेकिन पानी की डेंसिटी से अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, तैरने लगेगा, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, मैग्नेट का मतलब होता है क्या, आपका चुंबक जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऐसा मटेरियल्स है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, हम सब जानते हैं आयरन, लोहा ही ऐसा मटेरियल्स है जो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का आपका वो प्रॉपर्टीज उसमें होती है कि वो दोनों मैग्नेट प्रॉपर्टीज कंडक्ट करता है, मतलब उसमें आप अगर किसी और चीज को अट्रैक्ट करना चाहोगे तो नहीं होगा, सिर्फ आयरन ही ऐसा है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आपका एक टॉपिक आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है।
इसके बाद हमने पढ़ेंगे इसमें कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी मतलब होता है स्टूडेंट ऐसा आपका बॉडी मटेरियल्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। जैसे कि लकड़ी, अगर लकड़ी को मैं रख दी वुड, तो वुड जो है क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करता है ना। तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, पास करे या कंडक्ट करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। समझ आया? अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ हीट, है ना। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी हीट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसमें ऐसा मटेरियल जो हीट को क्या करते हैं, पास करते हैं, जो अलाउ करते हैं कि वहां से उसके मटेरियल से पास हो जाए और हीट उसमें बॉडी पूरा गर्म हो जाता है। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंडक्टिविटी में अगर जो मटेरियल्स अपने बॉडी से हीट को पास करेगा या इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, हीट को पास कर रहा है, तो वो होगा कंडक्टर। लेकिन जो पास नहीं करता, ना हीट को पास करता ना इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे लकड़ी, अगर लकड़ी को रख दी तो उससे ना ही हीट पास होगा ना ही इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। लेकिन जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और हीट पास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है? अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में आपका थ्री टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसलूसेंट। क्या बताया मैंने? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक, थ्री टाइप्स के मटेरियल होते हैं ट्रांसपेरेंसी के अंदर। जिसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का मतलब होता है ऐसा मटेरियल्स जो पूरी तरीका से क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, जो हमको आर पार दिखे। ठीक है? फॉर एग्जांपल क्या, जैसे कि क्या से बोल सकते हो, जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आप बोलोगे तो कौन सा होगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो हमारा पूरा लाइट को पास कर सकता है ना, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में आएंगे। ठीक है? जैसे कि बोलो वैसे ट्रांसपेरेंट के पर्दा भी लगाते हैं जो आर पार दिखे, पॉलीथीन, कुछ ऐसे आपके पॉलीथीन होते हैं जो आर पार दिखते हैं, है ना। तो ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंसी आता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स मतलब ऐसा मटेरियल जो आपका लाइट को पूरी तरीके से पास कर सके और हम हमारे बीच में जो भी हम चीज देख रहे हैं वो हमको दिख जाए ट्रांसपेरेंट। जैसे कि मेरे सामने ऐसे मैं क्या रख दूं, ट्रांसपेरेंट कोई मटेरियल रख दूंगी तो मुझे उधर की भी चीजें दिखेंगे। ठीक है? अब होता है, एक होता है ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल्स का मतलब होता है, ओपेक मटेरियल मतलब जो हमको, जो लाइट को पास ही नहीं करता, जो हम देख ही नहीं सकते। जैसे कि अगर मेरे सामने मैं कोई ओपेक मटेरियल रख दी, ओपेक मटेरियल मतलब फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी की कोई चीज को रख दी मेरे सामने, ऐसे बोर्ड, तो बोर्ड अगर मैं सामने में रख दूंगी तो मेरे को उधर की चीजें नहीं दिखेगी, तो वो ओपेक मटेरियल जो लाइट को पास ही नहीं करता है। क्योंकि वो जो ओपेक मटेरियल क्या है, लकड़ी, लकड़ी से लाइट पास ही नहीं होगा तो हम उधर की चीज को देख ही नहीं पाएंगे, राइट। फिर उसके बाद होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जो हल्का सा पास करता है, हल्का, जैसे बटर पेपर, बटर पेपर देखिए, बटर पेपर से आप जब ऐसे देखोगे तो आपको धुंधला दिखेगा, दिखेगा जरूर, लाइट पास होगा लेकिन आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा। तो थ्री टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और एक ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब जो लाइट को पूरी तरीका से पास करता है और हम जो है ट्रांसपेरेंसी रहती है, हम पूरा तरीका से जो भी हमारे सामने है उसके बाद जो दिख रहा है हम देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है, जो आपका लाइट तो पास करता है लेकिन हम उसको अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं। और एक होता है ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल मतलब जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, वुड, वुड इज द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स, वुड है ना, क्योंकि वो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करता। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पूरा डिटेल ऑफ सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, कि ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से मटेरियल्स को हमको, किस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाना है, हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मटेरियल्स को, कि हमको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो किस टाइप से मटेरियल से बनाना है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था विंडो का, कि विंडो आपका ग्लास से भी बनता है, आपका पूरी तरीका से वुड से भी बनता है, लेकिन वो हमको डिसाइड करना है कि हमको किस मटेरियल को यूज करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम जनरली ग्लास का आपका विंडो बनाते हैं। क्यों ग्लास को यूज करते हैं? क्योंकि ग्लास का विंडो बनाने से हम घर बैठे बैठे बाहर की चीजें को देख पाएंगे,
राइट right? लेकिन अगर उसको हम लोग ऊंट का बनाएंगे तो पूरी तरीके से विंडो क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, पूरा आपका कवर हो जाएगा, हम कुछ भी चीज को नहीं देख पाएंगे, है ना। डोर में भी कभी कभी हम लोग छोटा छोटा क्या लगा देते हैं, आपका ग्लास का आपका विंडो बना देते हैं छोटा छोटा, क्यों, क्योंकि हम जो बाहर की चीजों को बैठे बैठे देख पाए। तो हमको डिपेंड करता है कि हमको कौन से ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो किस मटेरियल्स को हम लोग यूज करें, कौन सा मटेरियल हमारे लिए बेस्ट और सुटेबल होगा। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना था कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा।